गेम्स जो कि बर्मिंगम में जारी है, और इसके हवाले से जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि दुनिया की बाकी टीमों के एथलीट्स जो हैं वो मेडल्स अपने नाम करने में कामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान की बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, वेट लिफ्टिंग हो, हर खेल में जो है हमारे खिलाड़ी जो है मायूस कर रहे हैं। एक बार फिर से वो सारी चीज़ें जिसमें हम नाकाम हो रहे हैं वो देख के और मज़ीद दुख हो रहा है। हॉकी में पहले ही हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जो है हमारी परफॉर्मेंस इतनी खराब है। मैच बनता भी नहीं गया, इंडिया अच्छा खेला, पूरे मैच में अच्छा खेला, कोच को उठा लिया इंडियन बच्चियों ने। वाह जी वाह। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक मैच में न्यूजीलैंड को हरा दिया। उसने पेनल्टी शूटआउट में कीवी टीम को 2-1 से हराया। निर्धारित 60 मिनट तक दोनों टीमों ने 1-1 गोल किए थे। भारत के लिए पहला गोल सलीमा टेटे ने किया था। वहीं न्यूजीलैंड की ओलिविया मैरी ने आखिरी मिनट में गोल कर मैच को पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा दिया। वहां भारतीय कप्तान सविता पूनिया ने शानदार गोलकीपिंग करते हुए न्यूजीलैंड के 4 प्रयासों को नाकाम किया। टोक्यो में दिल जीता था और साथ ही दिल टूटा था, लेकिन बर्मिंगम में दिल भी जीता है और दिल खुश है, नाच रहा है, गा रहा है। बदौलत जिसकी है वो है इनकी कप्तान सविता पूनिया, टीम के साथ साथ जो आपने किया। और सही कहते हैं ना, आपको अब दीवार है। I don't know, मेरे को जस्ट लगता है कि गोलकीपर हूँ और मैं जितना टीम को हेल्प कर पाऊँ उस चीज़ के उतने ही ज़्यादा मुझे खुशी होती है। हम बहुत ज़्यादा अपना काम करते हैं इंडिविजुअल और एज ए टीम, और गोलकीपर हूँ तो मैं यानिके के साथ पिछले 2 साल से शायद हमने बहुत एक्स्ट्रा काम किया है, और उसकी वजह से अगर कोई रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली एक खुशी होती है और आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि ओके मुझे और भी करना है।